साथ में ही है पूरा, है ना? धन्यवाद बहुत बहुत। लाइट वाइट नहीं चलती यहाँ पे? हाँ सब चलेगा, चलेगी। ओके सेटल कर लूँ। फाइनली बस मिल गई और बस 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 हो गया, बस अब चलते हैं आगे। बस। चिप्स खाते हैं और बोतल का पानी पीते हैं। बिस्लेरी। मैंने बिस्लेरी समझ के लिया। अबे बिस हेरी और दैट इज आल्सो 100 ml, 1000 ml, जबकि 900 ml होता था। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इस वक्त। ब्रेड पकोड़ा और साथ में हरी चटनी, जलेबी भी बहुत बढ़िया ताज़ी बनाई थी उस वक्त उसने, काफ़ी अच्छी है। कल रात से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। कहाँ इसका मतलब कहाँ रेडिसन ब्लू भाई देखो ऐसा है, नहीं वो बहुत हम धर्मशाला में रहेंगे, ब्लॉगिंग उसी को बोलते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं हम रेडिसन ब्लू बोलेंगे, ब्लू कहाँ से बोलेंगे, ब्लू है ये नहीं। देखिएगा ब्लू है वहाँ। देखते हैं यहाँ पे कमरा खाली है क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा रखा है कमरा खाली नहीं है। ये देखिए सामने। बहुत बहुत दिनों के बाद एक नया व्लॉग। काफ़ी सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी लाइफ में, सभी की होती हैं, चलती रहती हैं, तो घबराएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं हो गया हूँ थोड़ा लेट और अभी मैं हूँ साउथ दिल्ली खानपुर। यहाँ से मेरे को निकलना आनंद विहार, जो मेरा फ्रेंड है, और वो हम जा रहे हैं बनारस। सोचा था ट्रेन से जाएंगे बट ट्रेन मिली नहीं, इसलिए बस से जाना पड़ रहा है। और बस वाले का मुझे कॉल आया, अभी कह रहा था 8:15 के आसपास तक पहुंच जाना। देखो 7:40 आनंद विहार, विद इन हाफ एन आवर मुझे पहुंचना पड़ेगा एनी हाउ। देखते हैं। जय भोले की जय भोलेनाथ। कॉल आया, लग कॉल अटेंड करता हूँ। फिलहाल तो बाइक राइड है, उसके बाद बस जर्नी। तो इस वक्त तो मैं हूँ इस वक्त खानपुर में और ये पड़ता साउथ दिल्ली में। और यहाँ से देखो आपको मैं दिखा देता हूँ आनंद विहार का जो रूट है, जो मैप है, देखो ऐसे 56 मिनट दिखा रहा है, 56 मिनट, 24 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इस 56 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आधे घंटे के आसपास में, इस तो मैं अपनी जो बस है वो उसको पकड़ सकता हूँ, अदरवाइज़ बस आई गोना मिस। चलो चलते हैं। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ और करीबन 10 मिनट लगा है मेरे को, 10 मिनट का टाइम लगा है खानपुर से मतलब यहाँ आने में डिफेंस कॉलोनी तक। डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर पर मैंने बाइक नहीं ली, डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे से मेरे को गूगल ने भी यही गाइड किया, क्योंकि ऊपर पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यार, निकल जा जाम, निकल जा भाई। जाम तो क्रॉस हो गया। अभी चंकुरा का जो अंडरपास है वो मैंने क्रॉस कर लिया है यार। 15 मिनट वेस्ट हो गए यहाँ पे, 15 मिनट। यहाँ पे इतना जाम क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई क्रॉस्ड दैट बट स्टिल देखता हूँ कहाँ से जाऊँ, ये वाला रूट तो पूरा जाम है। तो भाई साहब गूगल बाबा की जय हो, गूगल ने मुझे काफ़ी अच्छा रास्ता दिखाया और काले खां के नीचे मतलब ब्रिज के नीचे पहुँचा दिया। अब मेरे को यहाँ से कलसा रहा है, काले खां से पार करके मेरे को जाना पड़ेगा। भाई अजीबोगरीब रास्ता से लेके आया गूगल, और बहुत ही अच्छा हुआ गूगल यहाँ से लेके आया, नहीं तो वहाँ से तो मैं आज रात तक तो मैं किसी भी हालत में पहुंच ही नहीं सकता था आनंद विहार, इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है ना यहाँ से, इतना जाम यहाँ पे भी। यहाँ से बस निकल जाऊँ किसी तरीके से। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं सराय काले खां के बाहर और फ़ोन आ रहा है यार, कभी फ़ोन उठा लेता हूँ। इसमें ना मेरा हेलमेट का जो इंटरकॉम है वो ख़राब है आजकल,
बड़ी समस्या हो। हेलो, हाँ जी, बस पहुंच गया। ठीक है, पिलर नंबर 214 ना, पेट्रोल पंप, एडीएम पेट्रोल पंप के पास में। ठीक है ब्रदर, पहुंच गया हूँ अभी अक्षरधाम, मतलब अक्षरधाम क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ से मेरे को करीबन 10 मिनट का So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are tight. बहुत दिनों बाद मैं फ्रेंड के यहाँ जाऊँगा, बट स्टिल मैं मिल नहीं पाऊँगा। लेकिन बोलते हैं कि समय पे जैसे दोस्त काम आते हैं ना, तो मेरे को सही में इस समय पे जो भाई ये बहुत काम आए हैं। और मैंने फ़ोन किया था तो फिर बोला कि हाँ बाइक को घर पे ही खड़ी कर दो। भाई 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 भाई, गाय नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। ये है ना, अच्छा आई थिंक दिस ये वाली सोसाइटी है, दिस वन, दिस इज़ अ सोसाइटी। And now I have to park this bike. आगे? तिवार के साथ? ऑटो में हूँ और इस वक्त मैं ऑटो की सवारी कर रहा हूँ। मतलब मैंने ओला या ऊबर लेने का जो डिसीज़न था उसको कैंसिल किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जाम दिख रहा था। और उसके बाद बस को पकड़ना था, वो वहाँ से निकल चुकी है, तो मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूँ बस पकड़ने के लिए। तो होपफुली यहाँ पर मिल जाएगी बस, और आगे का जो सफ़र है वो मुझे लगता है अब स्मूथली जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं बस के अंदर। और मतलब इतना एडवेंचर करा हमने, मैंने कि बाइक, पहले बाइक, उसके बाद जाम, जाम के बाद फिर रिक्शा, फिर ओहो क्या बताऊं। और फाइनली पहुंच चुका हूं बस में। अच्छा ये जाएगी बनारस, ओके भैया, बनारस के लिए, बनारस बनारस। बनारस टिकट दिखाएं, वो साथ में ही है पूरा, है ना? धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा यहाँ है अपना सोने का, ओहो अरेंजमेंट। लाइट वाइट नहीं चलती यहाँ पे? हाँ सब चलेगा, चलेगी, ओके। बस है उसकी कंडीशन ये है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और भाई अभी उतार देगा वो हमें, अच्छा ही बोलेगा। अच्छा, ओके ओके। तो बस मैं से मतलब फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, दिल की गहराई से अगर आपको रेटिंग देनी है सच सच्चे में, तो कितनी दोगे? मतलब लाइट जलाना, तीन दिख नहीं रहा। हाँ, तीन रेटिंग, तो मतलब जो 5 out of 3। यस, 3 भी काफ़ी दे रहे हैं ना। 5 out of 3 रेटिंग है जो RS यादव ट्रैवल्स है, क्योंकि ठीक है, मतलब अब ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सीट वीट अच्छी करनी चाहिए। और मतलब डेकोरम नाम की तो चीज़ खैर नहीं है सच, लेकिन हाँ इंटीरियर को थोड़ा और अच्छे से भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो डेकोर का जो पास का जो भी क्राइटेरिया होता है उससे ये मेल खाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एसी वैसी ठीक है। हालांकि ठंड कौन सा अभी, गर्मी कौन सा इतनी है, तो एसी का कुछ मालूम नहीं है कि कितना इफ़ेक्टिव होगा, जब अगर बंदा कोई समर सीज़न में या बहुत बिल्कुल जो एक्सट्रीम गर्मी में आएगा। और बस
सो दिल्ली के मयूर विहार में है इस वक्त, क्राउन प्लाजा होटल है 5 स्टार उसके पास में, वहीं से ये लास्ट मतलब डिपार्चर जो है दिल्ली से वो लास्ट यहीं है, यही है। पहले बाइक नहीं, पहले मैंने डिसाइड किया ऊबर और ओला को स्किप करना, क्योंकि उसमें दिखा रहा था 1 घंटा, और 1 घंटा वो शायद नॉर्मल दिखा रहा था। गूगल बाबा को शायद ये नहीं पता था कि जो बारापुला है लाजपत नगर के पास में, जो फ्लाईओवर निकलता है कनेक्ट करता है काले खां को, उसमें सडनली पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई थी, उसमें शायद एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, और बहुत ज़्यादा जाम था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब मैं पहुँच गया था, मेरे को जिस डेस्टिनेशन से बस को बोर्ड करना था ना, वहाँ से बस निकल चुकी थी, फिर मैं वहाँ से फिर मयूर विहार आया, फाइनली बस मिल गई, और बस 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 हो गया, बस अब चलते हैं आगे। मैंने जो है रास्ते में जब मैं जो रिक्शा लेके मैं बाहर आया था जब, और वहाँ से मेरे को बस मिली नहीं थी, वहाँ पे ना मेरे पास चेंज वगैरह नहीं थे, तो पानी की बोतल और ये चिप्स ले लिया। हालांकि चिप्स मैं प्रेफर नहीं करता कि ये हेल्दी चीज़ है, बट हाँ कभी कभार चलेगा। उसके बाद मैं खाऊंगा खजूर, 4-5-6-7 खजूर खाएंगे हैं, तू भी खा लियो 6-7 खजूर, है महंगी चीज़ है, महंगी चीज़ आई डोंट लाइक, आई लाइक नहीं रोड साइड हैं, यस चलो कोई बात नहीं, ये होता है होता है, इंडिया में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं। महंगी चीज़ हजम करने की ना वो नहीं होती, हर एक में ना दिक्कत होती है, क्योंकि लीवर को चाहिए होती है धूल मिट्टी, गंदा तेल, सड़ा हुआ खाना। और बस चल पड़ी है इस वक्त, और ये देखिए बस का नज़ारा कुछ ऐसा है, रात का बाहर देखिए कैसा नज़ारा है भाई, इतना ही दिखेगा इसके बाद, क्योंकि आगे ना ये शीशा खुलता नहीं है शायद, ये वाला ना, ये हमारी एसी बस है तो इसका शीशा खुलेगा नहीं, बस में कूलर नहीं होते ना, कूलर वाली आज तक देखी नहीं मैंने, बस बाहर से पानी निकल जाएगा ना। और ये हम जा रहे हैं इस वक्त जो सोनिया गांधी बोल रहा हूँ, जो बहन जी मायावती जी ने ये पार्क का निर्माण करवाया, देखिए कितने सारे हाथी लगे हैं अभी भी, देखिए एकदम दहाड़ रहे हैं, सॉरी वो हाथी चिंगाड़ मार रहे हैं, शेर दहाड़ता है ना, अरे उधर चले गए ना पीछे, हाथी चले गए, चलो अब रात का नज़ारा ऐसी है, इसके अलावा कुछ देखेगा नहीं। ये भाई साहब अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, एक्चुअली ऑफिस में पूरा दारोमदार इन्हीं के अंडर आता है ना, ऑफिस का चक्कर ही है, जो ऑफिस के मालिक हैं उनके बाद इन्हीं का नंबर, हाँ मजाक नहीं, और कह रहे हैं कि अगले साल ये कम से कम 25-30 वैकेंसी के निकालेंगे, तो निकलेंगे तो संपर्क कर लेना, ₹1,00,000 लग रहे एक भर्ती के। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको इग्नोर किया जाए इन बातों को, चलो खाते हैं यार, चिप्स खाते हैं और बोतल का पानी पीते हैं, बिस लहरी मैंने बिसलहरी समझ के लिया, अबे बिस हेरी, और दैट इज आल्सो 100 ml 1000 ml, जबकि 900 ml होता था 1 लीटर, 1000 ml, ओ भाई साहब, बिसहरी भाई साहब, क्या खतरनाक चीज़ बनाई है भाई साहब, बिस हरी, चलो कोई बात नहीं, ये लो, ऐसे दूसरों को देना चाहिए ना पहले, ये नहीं खुद खा लेना चाहिए। इस चिप्स में जो सबसे बढ़िया बात लगी वो है ट्रांस फैट, इसमें ट्रांस फैट होता है जो कि सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, ट्रांस फैट खूब खाना चाहिए, LDL HDL भी कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ट्रांस फैट बहुत ही बेकार है बॉडी के लिए, अब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और चिप्स हो गया जितने भी इस तरीके के नमकीन होते हैं इनमें ट्रांस फैट होता ही होता है, और खासकर चिप्स में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, नहीं खाना चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून जलता है, लेकिन यानी कि आप खा रहे हो रेगुलर अपना लाइफ में रूटीन में बना लिया, नहीं तू भी तो खाया जा रहा है जैसे। सुबह के कब बज रहे हैं 5:51, और अभी हमने क्रॉस किया है बदौरी टोल, तो बदौरी टोल जो है वो कानपुर इलाहाबाद वाला जो एक्सप्रेसवे है, क्योंकि मेरे को इसमें यही दिखा रहा है ये वाला, देखिए ये प्रयागराज है और ये यहाँ से कानपुर है,
तो यहाँ से अभी प्रयागराज मतलब इलाहाबाद करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 घंटे का टाइम लगेगा आई गेस जो दिखा रहा है इसमें। लेकिन दिल्ली से बनारस की बस में जर्नी करने से पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। एक तो दिल्ली से बनारस आते हुए, अब मैं इसमें यादव ट्रैवल से ट्रैवल मतलब यादव ट्रैवल्स की जो बस है उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये बस रुकती कहीं नहीं है बीच में। दिल्ली से बनारस आपको जाना है तो ये सीधा रुकेगी प्रयागराज। आपको खाना है, भूख लगी है, तो आप उसका अरेंजमेंट पहले से ही कर सकते हो। दिल्ली से कुछ अपने साथ में कोई भी जो भी खाने का आइटम है कुछ भी इस तरीके से वो आप कैरी कर सकते हो और बस के अंदर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में नहीं रुकती है कहीं पे भी, कंटिन्यूसली चलती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको भूख लगी है बहुत तेज़ या फिर आपको खाने का मन है, आपको कैरी करना ही पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें आपको इन बसों में मतलब इस बस में तो है एटलीस्ट टॉयलेट है। बाकी अभी देखो 7 साढ़े 7 बजे का पहुँचते हैं इलाहाबाद, तो वहीं पे कुछ खाऊंगा क्योंकि रात से मैंने भी कुछ खाया नहीं है। मेरे पास कुछ खजूर थे, खजूर खाए मैंने, काफ़ी सफिशियंट था। थोड़ा बहुत काम चल गया है बट स्टिल मेरे को बहुत भूख लगी है। चलिए तो देखते हैं अगर इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद में ही आधा घंटा रुकेगी बोल रहे हैं। कोई बाग बाग एरिया करके कोई क्या बाग है पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, वहाँ पर रुकेगी है, तो वहाँ पर कुछ देखते हैं क्या मिलेगा। चलिए तब तक के लिए कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। और बहुत पूरी तरीके से मतलब धूप बहुत तेज़ है, ये देखिए सामने। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इस वक्त, और इलाहाबाद मतलब ऑलमोस्ट एंटर करने ही वाले थे, मतलब इलाहाबाद में ही थे, तो गोल चक्कर था, राउंड अबाउट था, वहाँ पे बस रुकी। वहाँ पे थोड़ा सा मैंने खाने को कुछ लिया, स्नैक्स वगैरह, हालांकि थोड़ा अनहेल्दी हो गया है बट स्नैक्स अच्छे थे नो डाउट। एक आई थिंक ये ब्रेड पकौड़ा और साथ में हरी चटनी बढ़िया है पुदीने की, और मस्त एकदम बढ़िया सी जलेबी, जलेबी भी बहुत बढ़िया ताज़ी बनाई थी उस वक्त उसने, काफ़ी अच्छी है। कल रात से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सारे पान तोड़ दिए, जितनी भी कैलोरीज हैं सब ले डाली, लेकिन ठीक है खाना। 3 1 4 8 5 6 मिलते हैं बनारस। 3 1 4 8 5 6 है ना। तो करीबन 14 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली से बनारस पहुंच गए हैं, और जर्नी ठीक थी बट मुझे लगा है लंबी है। बस से ज़्यादा प्रेफरेबल मेरे हिसाब से ट्रेन है। टाइम कंसर्न है आपका तो फ्लाइट नहीं तो ट्रेन, और लास्ट ऑप्शन है जो बस है। बस ने पता नहीं बाहर कहीं यहाँ छोड़ा है बनारस में, पता नहीं ये कौन सी जगह है, ये चांदपुर मुरहिला जो है वहाँ पे बस ने ड्रॉप किया, और उसके बाद हम जा रहे हैं अब पटेल धर्मशाला, और जो कि तेलिया बाग में है ना। पटेल कहाँ, इसका मतलब कहाँ, रेडिसन, रेडिसन ब्लू। भाई देखो ऐसा है, हम धर्मशाला में रहेंगे, ब्लॉगिंग उसी को बोलते हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं हम रेडिसन ब्लू बोलेंगे, ब्लू कहाँ से बोलेंगे, ब्लू ब्लू है ये नहीं। देखिएगा ब्लू है वहाँ। आप लोग घुमाते भी तो होंगे सिटी टूर वगैरह। अच्छा आप घुमा दोगे? क्यों नहीं घुमाएंगे, पर ये रही है, अगर आपका इच्छा होगा कहेंगे तो। क्या नंबर है? 97 21। एक मिनट, आ गया ना, आ गया, ठीक है। ये कौन सा बाजार है? ये बाजार नहीं था, बाजार आगे है। ये क्या है? ये तो सब अलग अलग बाजार है, मेन बाजार ये नहीं है ना। मेन बाजार ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो ये आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल अतिथि आवास।
तो उनसे बात करिए, एक रूम लेने के लिए उनसे बात करिए। देखिए वो फोन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बुकिंग होती है क्या? है मतलब यहाँ पे रूम बुक होता है? अभी आरएसएस वालों पूरा बुकिंग कराया है। अच्छा अच्छा, आरएसएस वालों का कार्यक्रम अच्छा। मतलब यहाँ एडवांस में बुकिंग होती है? आने पे ही यहाँ बुक होती है। अच्छा ओके। यहाँ पे राजू कौन है? ऊपर है, लो देखते हैं यहाँ पे कमरा खाली है क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा रखा है कमरा खाली नहीं है। ये देखिए सामने कहते हैं एक रूम बुक तो कराया हुआ है, जिन एक्चुअली यहाँ पे शादी भी है एक, वही चीज़ पता करने के लिए जो मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है वो पता करने गया है। कुछ इस तरीके से है, धर्मशाला अच्छी है ये और साफ़ सुथरी है। टॉयलेट भी मैंने चेक कर लिया, टॉयलेट भी अच्छा साफ़ सुथरा सही है। और अंदर से ऐसे है, इसमें जो बेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेड है, और ये कमरा है, ये फ्रेंड है, सामने मिरर मिल गया है, और वॉशरूम टॉयलेट लेकिन इंडियन है, ठीक है, क्लीन है। ये देखिए वॉश बेसिन है, ये टॉयलेट है, इंडियन है, बाकी ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये नलका है, ये बाल्टी है, ये शावर है छोटा सा, तो ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ जाएगी, पंखा सामने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं शूज़ वूज़ रिमूव करता हूँ, थोड़ा बहुत आराम करता हूँ, पानी वानी पी के फिर खाने चलते हैं, बढ़िया कुछ देखते हैं क्या।